पूजा शर्मा, सुर्ख के बाद रुख अब खबरों का कर लेते हैं। जयपुर के चोमू में मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद संस्थान पर छात्र छात्राओं ने मनमानी करने के आरोप लगा दिए हैं। स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी की ओर से आवंटन सीटों पर एडमिशन देने की मांग को लेकर आज कॉलेज के मेन गेट पर ताला जड़ दिया था और कॉलेज संचालक कैलाश राज सैनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्टूडेंट्स का कहना है कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने NRI सीटों को सामान्य करते हुए BHMS कोर्स के लिए MJF कॉलेज चोमू का आवंटन किया है, लेकिन कॉलेज प्रशासन मनमानी करते हुए उन्हें एडमिट नहीं कर रहा है। इनका आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन मनमानी करते हुए इन सीटों पर डोनेशन लेकर एडमिशन देना चाहता है और उनसे 30 लाख रुपए भी मांग रहा है। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने स्टूडेंट्स को समझा कर ताला खुलवाया। जी मीडिया संवाददाता प्रदीप सोनी हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप, कॉलेज प्रशासन पर स्टूडेंट्स ने विरोध जताते हुए मनमानी का आरोप लगाया है, फिलहाल क्या कुछ इस मामले में अपडेट मिल पाया है और कॉलेज प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए पूजा, MJF कॉलेज का ये पूरा वाकया है, जो कॉलेज का मालिक है कैलाश राज सैनी, उस पर 30 लाख रुपए की वसूली करने के आरोप इन छात्र छात्राओं ने लगाए हैं। आक्रोशित ये छात्र छात्राएं कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर ताला लगाकर बैठ गई और जमकर नारेबाजी की। वहां पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश करके ताला तो खुलवा दिया। हालांकि छात्र छात्राओं का कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती है तब तक हमारा आंदोलन बरकरार रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जिस आयुर्वेद संस्थान की बात की जा रही है उसमें जो NSC पर एडमिशन लेने की बात सामने आ रही है उसमें इन्होंने जो NRI की सीटें थी उनको विश्वविद्यालय ने सामान्य सीटों में कन्वर्ट कर दिया था। उन्हीं सीटों पर इनको एडमिशन लेने की बात विश्वविद्यालय ने कही थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन मनमानी करते हुए इनको एडमिशन देने से इनकार कर रहा है। साथ ही इनकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें बात सामने आ रही है जिसमें साफ साफ तौर पर 30 लाख रुपए की वसूली की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि विश्वविद्यालय के सामने ठीक है 30 लाख रुपए डोनेशन के तौर पर कॉलेज प्रशासन की ओर से मांगे जा रहे हैं और ये आरोप